नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट 4 दिसंबर 2018 के दोपहर 2 बजे आना था, लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से 2 दिसंबर के दोपहर के 2 बजे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं डाला गया। लेकिन अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस की साइट पर अपलोड किया गया। चलिए देखते हैं, और उसके बारे में कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि कितनी कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप जान सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है या नहीं। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती की तैयारी करना है, तो आप सबसे पहले यूपी परीक्षा ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी है बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, ऐप में जाकर के आप आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं विद कूपन कोड के साथ। अगर आप कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। देखो, ये रही आपकी यूपी भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट, जिसमें ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही में अपलोड किया गया है। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक करा तो डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आया। हमने डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। इसमें आपको बताया गया है कट ऑफ के बारे में। जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई है आपकी 225, अन पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ गई है 216, अनुसूचित जाति की गई है 187 और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की गई है 153। इसी प्रकार से आपकी महिला, होमगार्ड्स, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित, उनकी कट ऑफ आपके सामने लिखी गई है। ठीक है, अच्छा, अब इनने एक काम क्या लिखा है कि 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, हमको पता है। अब यहाँ पर लिखा है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण 5/12/2018 यानी कि कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी आपको नहीं बताया गया है कि आपका रिजल्ट है क्या, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बताया है, तो पहले तो हमको रिजल्ट के बारे में बताइए, भर्ती बोर्ड के किन किन बच्चों का सिलेक्शन एक्चुअल में हुआ है। अब हमको ये भी नहीं पता है कि जो आपकी कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के पहले की है, नॉर्मलाइजेशन के बाद की है। ठीक है, इसलिए मैंने नॉर्मलाइजेशन का कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। ये केवल आपको पता चल सकता है जब आपका रिजल्ट आएगा तभी। ठीक है, उससे पहले तो जानना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आपका जो 5/12/2018 से शारीरिक मानक परीक्षण होना है या जो दस्तावेज है उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वो होना कहाँ है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, एडमिट कार्ड हमारा आया ही नहीं है। केवल और केवल कट ऑफ के बारे में बताया गया है। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप लोगों को समझाएं तो समझाएं कैसे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से पता चले कि आपका 5/12/2018 से प्रारंभ होना है, तो प्रारंभ का मतलब ये है कि 5/12, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका 5 यानी कि 5 दिसंबर को होगा। ठीक है, अब कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ नहीं पता, कौन कौन से बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे नहीं पता, तो यानी कि हमको आधी अधूरी बात बताई जा रही है। अभी केवल आप केवल कट ऑफ के बारे में बताया गया है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही कोई भी आपका और नोटिस आता है तो मैं आपको सबसे पहले इंडियन स्टडी आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।